ज्ञान विजार्ड में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं अजमल। आज हिंदी व्याकरण में विराम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। विराम चिन्ह बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अगर वाक्य में शब्द के बाद या वाक्य के अंत में सही विराम चिन्ह या सही स्थान पर इसका प्रयोग नहीं किया गया है तो वाक्य का मतलब बदल जाता है। बल्कि कुछ केसेस में वाक्य का मतलब एकदम विपरीत हो जाता है। इसलिए विराम चिन्ह का पढ़ना और इसे याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। विराम चिन्ह दो शब्दों से मिलकर के बना है, विराम और चिन्ह। विराम का मतलब होता है रुकना, ठहरना या आराम करना। चिन्ह का मतलब होता है निशान। तो विराम चिन्ह वो चिन्ह हैं जिनको रुकने, ठहरने या विश्राम करने के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए एक मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह तक आप जा रहे हैं, इस जाने के दौरान आप किसी आदमी से थोड़ी टाइम के लिए कभी मिल सकते हैं, उससे ज़्यादा भी टाइम के लिए मिल सकते हैं, और जब आप अपनी जगह पहुँच जाते हैं तब आप वहाँ पर एकदम से पूरा आराम करते हैं। इसी तरह से वाक्य में शब्द के बाद और वाक्य के अंत में भी विराम चिन्ह आते हैं। तो विराम चिन्ह वो चिन्ह हैं जो रुकने, ठहरने या विश्राम करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ पर मैं एक उदाहरण लूँगा। रुको मत जाओ, यहाँ पर कोई विराम चिन्ह का उपयोग नहीं किया गया है। आइए विराम चिन्ह लगाते हैं। ये इसे बोलते हैं अल्प विराम, रुको मत जाओ। यहाँ पर रुकने के लिए बोला जा रहा है, रुको मत जाओ, और जाने से मना किया जा रहा है। अब अल्प विराम का जो स्थान है उसको यहाँ से चेंज करके यहाँ पर लगा देते हैं, रुको मत जाओ। अब यहाँ पर रुकने से मना किया जा रहा और जाने के लिए बोला जा रहा। तो आपने देखा जैसे यहाँ पर अल्प विराम का स्थान चेंज किया गया, दोनों वाक्यों का मतलब एक दूसरे के विपरीत हो गया। तो इसीलिए हिंदी भाषा में जब हम लोग बोलते या लिखते हैं तो सही अल्प विराम सही जगह पर या सही विराम चिन्ह सही जगह पर जो है यूज करना बहुत ही ज़रूरी है। आइए देखते हैं विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं। पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्न सूचक जो प्रश्न पूछने के लिए किए जाते हैं, विस्मयादि सूचक चिन्ह यहाँ पर जो है बिंदी है, निर्देशक चिन्ह, योजक चिन्ह। यहाँ पर देखिए दोनों के साइज में जो है फर्क है। निर्देशक चिन्ह जो है यहाँ पर जो है बड़ी साइज का, बड़ी आकार का है, और योजक चिन्ह में यहाँ पर छोटी साइज का है। विवरण चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, इसमें एक और भी जो है कोष्टक होता है, इसे हम लोग इंग्लिश में कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं। उद्धरण, उद्धरण भी दो तरह के होते हैं, इकारा उद्धरण यहाँ पर एक ही यूज़ किया गया, दूसरा होता है दोहरा उद्धरण जिसमें दो इस्तेमाल किए जाते हैं। ये था विराम चिन्ह और उसके प्रकार के बारे में विस्तार से जानकारी। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया इसे आप लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।